जुलाई माह की शुरुआत के सप्ताह में समूचे जिले में भारी बारिश के कारण किसानों की खेती का बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तो वही सैकड़ों हेक्टर खेती में बाढ़ के साथ आई मिट्टी पत्थरों से अब वहां खेती करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में संकट समय नागपुर जिला परिषद के उपाध्यक्ष सुमित्रा मनोहर कुंभारे के नेतृत्व में सावनेर तहसीलदार प्रताप वाघमारे को किसानों की विविध मांगों का निवेदन सौंप शीघ्रता से मुआवजा दिलाने की मांग की गई। तहसीलदार को सौंपे गए निवेदन में जिला अतिवृष्टि घोषित कर 75,000 हेक्टरी रुपए दिए जाए, फसल बीमा की किश्त माफ हो, संतरा मौसम्बी आदि बागवान किसानों को उचित मुआवजा मिले, जिन खेतों में बाढ़ की मिट्टी तथा पत्थर भर आए हैं उन खेती के दुरुस्ती हेतु मुआवजा तुरंत दिया जाए आदि मांगों का निवेदन जिला परिषद उपाध्यक्ष सुमित्रा कुंभारे, सावनेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन जायसवाल, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे आदि की प्रमुख उपस्थिति में तहसीलदार प्रताप बाघमारे को सौंपा गया। इस अवसर पर सावनेर पंचायत समिति सभापति, उपसभापति, पूर्व नगर सेवक व वरिष्ठ पत्रकार तेज सिंह सावजी, सावनेर तहसील मराठी पत्रकार संघ के सचिव लक्ष्मीकांत दिवटे, पंचायत समिति सदस्य गोविंद ठाकरे, पूर्व नगर सेवक सुनील साफेकर, सरपंच सोनू राव साहेब, युवा कार्यकर्ता अश्विन कारोकार, चंदू कामदार आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। बीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेले।